बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मैं बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, वो वैसे तो बहुत सिंपल है लेकिन इसकी जो अहमियत बहुत ज़्यादा है। जो हमारे अक्सर पेशेंट आते हैं उनको ये पता नहीं होता कि आंखों की नज़र की जो वीकनेस है वो कब शुरू हुई और कब उनको पता चला, क्योंकि जब वो दोनों आंखों से देखते हैं तो उनको पता नहीं चलता कि मेरी कौन सी आंख वीक है और कौन सी आंख सही है। लेकिन जब हम एक आंख से उसका टेस्ट कर लेते हैं तो फिर पता चल जाता है कि उसकी या तो बाएं आंख में कुछ वीकनेस है या दोनों में है या जो ना राइट आई में है। तो इस सिलसिले में ये वीडियो बहुत ज़रूरी है कि हम दोनों आंखों से टेस्ट नहीं करते एक साथ, हम एक आंख को बंद करते हैं और जो ना दूसरी को हम चेक करते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें कितना फ़र्क है। और सबसे पहली बात ये है कि ये जो एक होती है नज़र कम और एक होती है नज़र की कमज़ोरी, इसमें बड़ा फ़र्क है। ये एक आम आदमी को हम सिंपल ज़बान में यू कहना चाहिए कि जो आँख का जो कमी है, एक कम है, वो तो उसके बहुत काजिज़ हो सकती हैं, ऑर्गेनिक काजिज़, जैसे शुगर है, IUP उसका ज़्यादा है, या किसी वजह से ट्रामा से है, या और बहुत ज़्यादा बीमारी है, तो वो और बात है। एक होते हैं इसकी फोकसिंग मेकनिज़म में कुछ फ़र्क है, वीक है, वो सही तौर पर वो जो फोकस नहीं कर सकते, जिसको हम कहते हैं प्रेसबायोपिया। तो इसके लिए ये एज के साथ उसका फ़र्क 40 साल से शुरू हो जाता है और 60 साल से 60-70-80 साल तक ऐसे ही बढ़ता है। तो एक होते हैं फोकसिंग की वजह से और एक होता है एरर ऑफ रिफ्रैक्शन। इस पे मैं फिर सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा कि ये वो बहुत वो है लेंथी है। तो आज मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँ कि आंखों की जो वीकनेस है, कमज़ोरी है, कम नहीं, जो वीक है, वो क्यों वीक है। इसके 2-3 वजह हैं। एक ये है कि किसी को दूर साफ नज़र नहीं आता और किसी को नियर विजन उसकी वीक है। तो ये जो वीकनेस है टेम्परेरी, मैं इसको एक टर्म दूंगा कि ये परमानेंट नहीं है। या किसी को सर में दर्द है, हर वक्त उसका सर जो ना दुखता है, और ये आंखों ये जो एरिया है इसको कहते हैं आई स्ट्रेन। तो वो कहते हैं कि ये आंखें मेरी भारी भारी होती हैं, जैसे इस पे लोड है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि वो अपना फोकस ज़्यादा यूज़ करता है, वो चीज़ को शार्प देखने के लिए उसका जो फोकसिंग मैकेनिज़्म है वो ज़्यादा यूज़ होता है। और सुबह सवेरे ठीक होता है लेकिन 2-3 बजे के बाद 12 बजे, क्योंकि उसका सारा स्टेमिना ख़त्म हो जाता है, तो इसके बाद उसका हेडेक भी शुरू हो जाता है और आई स्ट्रेन भी शुरू हो जाता है। तो इसका बहुत एक जो ना सिंपल वो टेस्ट है, अगर मैं आपको समझा दूँ आज, तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी होगा। इसमें मैं आपको सबसे पहले सिंपल टेस्ट बताऊंगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये चीज़ है क्या। ठीक है, मैं अभी आपको फिर वहाँ पर ई चार्ट की तरफ हम जाते हैं और देखते हैं कि ये क्या है। अभी हम ये चार्ट है, इसको ई चार्ट से भी कहते हैं, क्योंकि ये सारे ई और एम डब्ल्यू से बना हुआ है। और इसके अलावा और भी चीज़ें के साथ हैं, जैसे ये है बच्चों के लिए तो हम ये भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये वाला तो वो स्टैंडर्ड है। अब ये भी है अलिफ नून बे जिम, लेकिन सबसे पहले ये बहुत बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके 2 फ़ायदे हैं। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, अगर किसी को ये वाला जो नहीं सही नज़र नहीं आता और ये वाला हिस्सा सही नज़र आता है, तो इसका ये मतलब है कि इसका ये 90 एंगल है, यह पर जावे बने होते हैं। देखो, यहाँ पर 90 एंगल है और ये वाला 180 जाविया है।
तो इसका ये मतलब है, अगर किसी को ये वाला साफ नजर आता है तो इस वाला ये हिस्सा सही है, अगर किसी को ये वाला जो ना धुंधला नजर आता है तो इसका मतलब है कि इस हिस्से में फर्क है। तो ये ई चार्ट इस लिहाज से बहुत अच्छा है कि ये बयक वक्त आपको दोनों चीज़ें एक टाइम पे जो ना बता देता है कि इसका ऐसा वीक है या ऐसा वीक है, या अगर दोनों वीक है तो फिर तो एक ही बात है। तो ये टेस्ट हम अमूमन 6 मीटर पे और 6 मीटर बांधते हैं 20 फुट, तो 20 फुट के फासले पर हम पेशेंट को वहाँ पर बैठा देते हैं दूर, और उनको कहते हैं कि इस ये आपको नज़र आ रहा है या नहीं है। एक एक आंख, पहले एक आंख को जैसे मैंने पहले कहा एक आंख को हम बंद करते हैं, बारी बारी से एक आंख को हम चेक करते हैं। अगर किसी को दूर से ये साफ नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है फिर हम जंप करते हैं दूसरी लाइन को, अगर ये भी उसको साफ नज़र आ रहा है फिर तीसरी भी, चौथी फिर पाँचवीं फिर ये लास्ट है। अगर किसी को ये सही नज़र आ रहा है और ये वाला भी और ये वाला भी, हम तकरीबन 3-3 तक जाते हैं, तो इसका ये मतलब है कि उसका विजन 6x6 है, 6x6 या 20x20। इसका ये मतलब होता है कि एक नॉर्मल आदमी अगर 6 मीटर के फासले पर बैठा हुआ है या भी जो 20 फुट बनते हैं, अगर ये एक स्टैंडर्ड है दुनिया का, तो अगर किसी को ये 20 फुट के फासले पर ये उसको सही नज़र आ रहा है तो इसका ये मतलब है कि उसका विज़न परफेक्ट सही है, तो इसमें विज़न का कोई मसला नहीं है। ये नॉर्मल टेस्ट है, हर एक को ये करना चाहिए, क्योंकि जब ये आपको एक बार आपको सही नज़र आया तो इसके बहुत माने निकल गए कि आपका विज़न सही है ना, आपको कोई वो शुगर है फिलहाल, अगर है तो आपकी विजन पर उसका कोई असर नहीं है। और जो काला मोतिया हम जिसको कहते हैं ग्लाकोमा, ये उस वक्त जब तक अगर एक इंसान जो ना डॉक्टर तक पहुंचते भी चला जाए ना, ये उसको सही नज़र नहीं आएगा, इसको या जो ना यहाँ तक नज़र आएगा, ये वाला बहुत मुश्किल नज़र आएगा क्योंकि ये परफेक्ट विजन है। तो अच्छा, इसके अलावा ये 6x6 है, अगर किसी को ये वाला सिर्फ नज़र आता है और उसका जो प्यूपल है या लेंस है वो भी थोड़ा सा धुंधला है, तो इसका ये मतलब है कि उसका जो लेंस है वो मोतिया बन चुका है, तो इसकी सर्जरी ज़रूरी है। तो इसलिए ये टेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम कहें अगर 60 उसका विजन है तो ये इसका मतलब है कि उसको अभी जो ना सर्जरी की ज़रूरत है। ये टेस्ट इस बुनियाद पर बहुत आम है कि हमें पता चल जाता है कि अब हमें क्या करना चाहिए नेक्स्ट स्टेप में। अभी हम जाते हैं एक और इस साइड पे, वो सारा डिजिटल मैं जो ना आपको बताऊंगा कि यहाँ पर हम पेशेंट को जो ना हम लगा देते हैं, ये हमने साइन लगाए हुआ है ताकि हमें परफेक्ट पता चले कि यहाँ तक फासला 20 फुट है या 6 मीटर। तो यहाँ पर पेशेंट को हम ऐसे बिठा देते हैं, फिर एक आँख को बंद कर देते हैं, फिर सारा चार्ट हम उसको कहें भाई ये आपको नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है, फिर इस हाथ को खोल देते हैं, फिर इस आँख को बंद कर देते हैं। लेकिन ख्याल ये होना चाहिए कि आपका हाथ आँख पे ना लगे ताकि आँख पे दबाव ना हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने आँख पे ऐसा डाला तो इसमें जब आप इसको फिर इसमें वो जो ना जाला पड़ जाता है, क्योंकि आग की वजह से ये दब जाता है, जब इसकी बारी आएगी ना तो आपको सही नज़र नहीं आएगा चंद मिनट के लिए। लेकिन इसलिए हम कहते हैं कि आप ऐसा हाथ बना दें, आप ऐसे एक आम को बंद कर दें फिर दूसरी आम को बंद कर दें, फिर चेक कर दें कि आपका विजन कितना है। तो मेरे ख्याल में आज के लिए ये काफ़ी है, तो नेक्स्ट विजन के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारा वेट कर दें, फिर हमको स्टेप बाय स्टेप आगे ले जाएंगे, फिर हमको बताएंगे कि जो ना कलर विजन क्या होता है और एस्टिगमेटिज्म क्या होता है, ये फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वीइंग एंड अल्लाह हाफिज़।